तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग हैं गांव में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग अभी रायपुर नहीं गए हैं। और रायपुर में और ज़्यादा गर्मी है यहाँ से भी। बेटी वो कहाँ है रे, गाय है क्या? तो मैं अभी घर पे हूँ। दोपहर का टाइम है और ये लोग खेल रहे हैं मट्टी। तो हम लोग मट्टी लीप रहे थे तो मुझे यहाँ पे चोट लग गई, देख लो। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा न्यू वाला, जो कि हम लोगों ने बम्बू हाउस बनाया। एक महीना कंप्लीट लगा है करने के लिए, थोड़ा थोड़ा अभी भी बाकी है। फिर भी मैं शूट कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई अभी मतलब वीडियो नहीं है। तो मैं सोच रही क्या बनाऊँ। तो ये मट्टी बचा हुआ है थोड़ा सा, तो इसको और हम लोग कवर करेंगे। और ये है मेरा बम्बू हाउस का फ्रंट, जो कि सिर्फ बांस से बना हुआ है। ये घर काफ़ी ज़्यादा कूल वाला है और ठंडा है, और मतलब गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत लोगों ने पूछा था कि इसको क्या करने के लिए हम लोग बनाए हैं। तो ये है दोस्तों हमारा फार्म, मतलब बकरी का, और बकरी रखने के लिए ये वाला बनाए हैं। तो आप लोग जानते हैं अभी बकरी का कितना ज़्यादा प्राइस चल रहा है, बहुत ज़्यादा रेट है। और गांव में कुछ काम नहीं है, तो ये हम लोगों ने मम्मी पापा लोगों के लिए ख़रीद दिया है। और इसमें टोटल कितना खर्चा या क्या, मतलब सब कुछ मैं बता दूंगी इसी वीडियो में। और कितना कितना में हम लोग बनाएं, वो सब चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले फ्रंट में दिखाती हूँ। ये देख लो, ये फ्रंट है। और ये हम लोगों ने ग्रीन कॉटन डाला हुआ है। और ये है ऊपर का एरिया, जो कि त्रिपाल लगा है अंदर में, और लगा है इसमें धान का जो पैरा बोलते हैं ना, धान का पैरा, जिसमें धान का जो घास रहता है वो हम लोग पैरा बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। आप लोग क्या बोलते बताना, धान का जो बस्ता है ना उसको। तो मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये देख लो, ये मिट्टी का यहाँ से छोला हुआ है। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ, फ्रंट कैमरे से अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा कैमरा ख़राब है दोस्तों। मोबाइल सारे ख़राब हो गए हैं, इसीलिए भी मैं शूट नहीं कर रही थी। इतना दिन से ब्लॉग मेरा नहीं आ रहा है, उसका मतलब ये है कि मोनू का मोबाइल जो है डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। मोनू के पापा के मोबाइल का कैमरा सही नहीं है, मेरा मोबाइल का कैमरा सही नहीं है। तो अभी मैं बहुत मुश्किल से इसको खोल खाल के पोछ पाछ के थोड़ा बनाई हूँ कैमरा को, मतलब सही की हूँ, जिसमें अभी अप डाउन हो रहा है। तो मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ बैक कैमरा से दिखाने का, पूरा धूल चला गया है इसमें, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये है फ्रंट, देख लीजिए यहाँ पे बना है। ये हमारे जस्ट मिट्टी घर के ये सामने में, जो कि यहाँ पे रहाड़ लगा हुआ था। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, और बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा ये। मैं सोची कुछ नया बताती हूँ आप लोग। यहाँ पे हम लोग मिट्टी कर रहे थे, अंदर में कर रहे थे मिट्टी, वहाँ का कम्प्लीट हो गया था, फिर यहाँ पर कर रहे थे। तो ये गीला वाला है, हाँ, और ये दोनों मिट्टी खेल रहे हैं, देख लो। तो ये गीला वाला है, सारे लोग अभी क्या बोलते हैं दोपहर का टाइम है, तो ये बेड यहीं पे है, क्योंकि हम लोग सारे लोग आंगन पे सोते हैं रात का टाइम में, आंगन में सोते हैं गांव में। तो जो छत्तीसगढ़ के होंगे या बाहर के कहीं के भी होंगे, कहीं के सोते होंगे तो वो लोग जान ही लेंगे। तो ये है मट्टी, तो इसको इग्नोर करना। और ये सामने में बाल्टी और दो चार ईंट रखा हुआ, इसको भी इग्नोर करना, क्योंकि इतना दूर तक लिपाई नहीं हुआ। ये फ्रंट एरिया, यहाँ पर अभी वो नहीं लगा, दरवाज़ा नहीं लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आते ही आप लोगों को ये वाला पोर्शन मिलेगा, जो कि यहाँ पे सोने के लिए, क्योंकि बकरी लोगों को भी जोगना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चोरी होता है, बकरी को भी चोरी करके ले जाते हैं। तो यहाँ पे सोने के लिए, सो के इसको देखेंगे। ये है फ्रंट गेट इसका, जो कि ये लॉक सिस्टम है, यहाँ पर लॉक लगा है। तो मैं पहले लॉक निकाल देती हूँ। ये सामने वाला जो है ये घेराव है, तो ये माटी लिपा हुआ है, इसका भी दो लॉक लगा हुआ है। तो मैं लॉक पहले खोल देती हूँ, फिर अपन जाएंगे अंदर। अंदर मतलब बकरी के घर पे। तो इसका बजट क्या है, कैसा है इसका प्रॉफिट, सॉरी मेरा मोबाइल का कैमरा क्या हो रहा है पता नहीं। अभी सही हुआ, तो हो जाता है, हिल जाता है, उसके लिए माफ़ कर देना दोस्तों। ये है हमारे प्यारे प्यारे बकरी लोग, जिनको दरवाज़ा खोलते ही उनको पता चल जा रहा है कि मैं आ रही हूँ। चलो चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो। यो ये लोग सोच रहे हैं हमको चरने के लिए निकाल रही है। मैं बंद करती हूँ भैया, चलो घुसो अंदर, घुसो, चलो अंदर जाओ, चलो जाओ,
अयो चलो 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 अंदर चलो बेटा। तो अभी मैं वेरी वेरी सॉरी, अभी मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि इसको जब खोल रही हूँ तो ये सारे लोग बाहर आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं इनको चरने के लिए बाहर निकाल रही हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे खड़ी होगी, यहाँ से दिखाती हूँ। ये मेरा है गोट फार्म। तो देख लीजिए कैसे मैंने बनाए हैं अपने बकरियों का फार्म। यहाँ पर इन लोगों के लिए मैंने इनकी सुविधा के लिए एक पंखा लगा दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी सारे तरफ ग्रीन कॉटन लगे हुए हैं, तार से घिरा हुआ है, यहाँ पे सेफ्टी के लिए तार से घिरा हुआ है जो कि इसको जई तार बोलते हैं हम लोगों के लैंग्वेज में। आप लोगों के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बताना। यहाँ पे पूरा ऑल कवर हुआ है, उधर भी ग्रीन कॉटन लगा हुआ है, बाहर से बाहर का एरिया भी दिखा दूँगी आप लोगों को। और ये है हमारे बड़े बकरियाँ। तो बड़े बकरियों को हम लोग बांध के रखते हैं क्योंकि वो बच्चों को मारते हैं। तो बड़े बकरियाँ हैं तीन जो कि ये प्रेग्नेंट है और वो दोनों प्रेग्नेंट हैं, उनके हैं दो दो बच्चे। तो ये सारे ये दो, इसके दो बच्चे, इसके दो बच्चे और इसके बच्चे नहीं, ये अभी प्रेग्नेंट है, है ना। तो ये है देसी बकरी, मतलब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का। और थोड़ा हाइब्रिड वाला लाने से उसमें क्या होता है, बीमारी जल्दी लगता है। तो ये है हमारे देसी बकरी। तो ये सारे जो 6-7 दिख रहे हैं आपको, ये है बकरा, मतलब ये लड़का वाला बकरी। और वो छोटा सा एक सोई हुई है वाइट कलर की, वो है लड़की, है ना। तो इतने बकरी है हमारे, कुल है 14, मतलब 14 बकरी है मेरा। और यहाँ पे लाइट भी लगा हुआ है, पंखा भी लगा दिए हैं, गर्मी इनको ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, गर्मी का दिन है तो इसीलिए। और इनको हम लोग चराने के लिए लेते हैं बाहर, और इनको घास भी डालते हैं। तो अभी घास नहीं डाले हैं, 4-5 टब रखा हुआ है, उसमें देते हैं हम लोग पानी। और राइस का जो बचता है ना पानी, पसिया, थीर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, आप लोग क्या बोलते हैं बताना। तो थीर, तो ये हम लोगों ने दिया हुआ है। ये जो है नीचे है वो मुरम है, मुरम मतलब दर्रा, जो कि मोटा वाला मिट्टी रहता है वो, उसका साइड साइड का जो लिपाई कर दिए हैं। जब इनको चराने के लिए लेके जाएंगे तो अंदर का लिपाई करेंगे। और ये दोनों देखो लड़ रहे हैं। तो तीनों बड़े बकरियों को बांध के रखते हैं, छोटे बकरियों को खोल के रखते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये घर को बनाने के लिए ये कॉटन, क्या बोलते हैं इसको, कटंग बांस बोलते हैं। और ये आया था बंगाल से आया था। तो यहाँ पे उनका वो रहता है, मतलब कुछ है जहाँ से वो लोग बंगाल से मंगाते हैं, तो वहाँ से ये बांस मंगवाया गया था और इस बांस से ये रेडी हुआ है। तो टोटल ये खर्चा हुआ है हमारा पूरा, बना के लेबर खर्चा हम लोगों ने पूरे, मतलब एक महीना मेरा वीडियो नहीं आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा अच्छे से, मेरा वीडियो नहीं डाल पाई। तो ये सारे मतलब पड़े हैं, मतलब सिर्फ ये घर का और ये पंखा वंखा जो भी है लगाए हैं उसका, और ये कॉटन वगैरह तार जितना कील ठोका हुआ है इसमें, सारे में कील ठोका हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देख लो कील है, ये कील, मतलब हर जगह आपको कील ही कील नज़र आएगा। खिला, इसको खिला बोलते हैं हम लोग, ये खिला जो ठोका हुआ है। ये सारे जितने भी हम लोगों ने खरीदे, जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो ये टोटल इसका पड़ा है 30,000 ये घर को बनाने के लिए, और कॉटन वगैरह और बांस वगैरह, लेबर खर्चा, गाड़ी खर्चा, लाने का खर्चा, पंखा, ऑल ऑल मतलब जितना भी है। और उसका ऊपर तिरपाल जो लगा है, वो ऊपर का तिरपाल थोड़ा महंगा है, और ये कॉटन, मतलब सभी मिला के हम लोग को 30,000 ये फार्म बनाने के लिए पड़ा है। और यहाँ पे सोने के लिए बनाए हैं, मतलब यहाँ पे खाट रख के यहाँ पे सो सकते हैं। तो ये एक बॉर्डर है छोटा सा, है ना। और ये हम लोगों का सामने का एरिया, और हम लोग सारे लोग यहाँ पे सोते हैं, अभी गर्मी का दिन है। तो ये मेरा घर के जस्ट फ्रंट में बना हुआ है, जो कि यहाँ पे रहाड़ जगह थे हम लोग, काफ़ी सारा ग्रीन वाला यहाँ पे एरिया था। और यहाँ पे मेरा था ये जस्ट, ये मिट्टी वाले जगह पे मेरा चूल्हा था जिसमें मैं रेसिपी शूट करती। और ये देख लो हंसी छूट रही है इन लोगों की। और मैं आप लोगों को बाहर का भी पोर्शन दिखा देती हूँ। तो ये है देख लो, ये थोड़ा हाइट में है, तो ये डाल के जैसे भी बनाए हैं, इसका पिछला वाला वीडियो में आप लोग देख ही लिए होंगे। तो ये जस्ट घर के सामने है, ये थोड़ा हाइट में है, और नीचे वाला घर मतलब नीचे में है, सॉरी। तो ये लोग कुछ कुछ खिलौना बना रहे हैं। और ये बाहर का पोर्शन देख लो, तो बाहर कुछ ऐसा है। तो ये पैरा जो है वो ठंडाई के लिए डाले हैं, नहीं तो इसमें ब्लू कलर का कार्टन लगा, इस यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ब्लू कलर का कार्टन नज़र आ रहा होगा, यहाँ 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 सामने में।
तो कुछ ऐसा है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और ये देख लो बांस इतने बच गए हैं जो कि घेराव वगैरह अगर देने के लिए काम आ जाएगा। यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत सारा अच्छे से किए हैं हम लोग और बहुत कुछ किए हैं ना, तो ये एक महीने में हम लोगों ने ये सब काम किया है और ये मेरा फार्म बन के रेडी हो गया। सो फ्रेंड, मेरा बकरी वाला घर कैसा लगा कमेंट करके बताना। और ये सब सामने ही पड़ रहा है, ये वाला घर यहाँ पे, ये वाला घर है, वो वाला घर सामने, और ये जस्ट ये फ्रंट में जो है वो ये है हमारा आंगन, और सामने आंगन के सामने ही रोड है। तो एक महीना मेरा मतलब ना डालने का वीडियो ना डालने का रीज़न ये था कि मैं गांव आ गई हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी था और मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे नेटवर्क वगैरह का बहुत इशू है और मेरे पास ऐसा मतलब कोई कंटेंट भी नहीं था कि मैं क्या शूट करूँ, ऐसा लग रहा था मेरे को। और मेन सबसे बड़ा रीज़न जो है मेरा मोबाइल, जो कि मोबाइल सही नहीं है, दोनों मोबाइल ख़राब हो गए हैं जिसके वजह से शूट नहीं हो पा रहा है मेरा। तो ये वाला मोबाइल में अभी मैं शूट की हूँ जिसमें कि बहुत ज़्यादा मतलब बेकार वीडियो क्वालिटी आ रहा है। और क्या बोलूँ दोस्तों, अभी नया मोबाइल ले नहीं सकते क्योंकि इतना इन्वेस्ट किए हैं अभी, इसी वजह से अब हमारे पास उतने पैसे नहीं कि नया मोबाइल ले सकें ना। तो पुराने मोबाइल जब बना लेंगे तो फिर उसमें कंटिन्यू ब्लॉगिंग करेंगे। और मैंने 30,000 बस घर और जो भी तिरपाल वगैरह कार्टन बांस वगैरह का खर्चा बताया, और लेबर वेबर सब मिला के 30,000 रुपये खर्चा हुआ। लेकिन मैंने बकरियों का नहीं बताया, बकरी टोटल 14 बकरी को समथिंग 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट है। हाँ, 1,00,000 रुपये हो गए, 90,000 समथिंग, 90,000 आना जाना उसको लाना, मतलब एक बार में 14 बकरी नहीं आए हैं, एक बार एक बकरी आया, एक बार 5 बकरी आए, फिर एक मंगलवार यहाँ पे बाजार होता है हमारे बसना में, तो एक बार एक बकरी लाए जो कि प्रेग्नेंट है, और एक बार 5 बकरी लाए, और एक बार 4 बकरी लाए, तो फिर एक बार 4 बकरी लाए, ऐसे करके मतलब 14 बकरी लाए। तो 3 बार करके लाए हैं, तो ऑटो खर्चा भी ज़्यादा लग गया और लिखवाना भी पड़ता है बकरियों का, वहाँ कुछ रसीद वसीद लिखवाना पड़ता है जब मार्केट से लेके आओगे ख़रीद के, तो ऐसा है। तो ये हमारा ऐसा है, पड़ा है 8 बकरा है और 3 बकरी है, 3 उसकी मम्मी है। तो बकरे का रेट जो बड़ा हो जाता है, बकरा एक डेढ़ साल दो साल का हो जाता है, तो 20,000-25,000 रेट जाता है, तो उसी हिसाब से बकरा को ज़्यादा ख़रीदा गया है 8, ताकि पैसा हमारा मतलब जो इन्वेस्ट किए हैं वो 2 साल में हमारा रिटर्न आ जाए हमारे पास, है ना, और जो भी है उसमें प्रॉफिट भी मिल जाए, तो उसी हिसाब से किया गया है ये। और प्रेग्नेंट बकरी का बच्चा होगा, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि इसका बच्चा कब होगा। मैं देखूँगी, और बाहर में बैठी हूँ तो मैं कैसे लग रही हूँ पता नहीं चल रहा है, मेरा लाइटिंग की वजह से अच्छे से नहीं दिख रहा, अच्छी लग रही होंगी। और मेरा वेट लॉस भी हो रहा है, तो वेट लॉस कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मेहनत बहुत कर रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, तो मेरा वेट भी लॉस हो रहा है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और जल्दी रायपुर जाने वाले हैं दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं रायपुर आओ, मिलेंगे आपसे, मिलेंगे सबसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन गर्मी की वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं, रूम किराया दे रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं दे रहे हैं। और इतने सारे पैसे आप लोग सोचेंगे इतने सारे पैसे इनके पास कहाँ से आ गए, तो कहाँ से आए हम लोग बता भी देंगे, वो वाला दूसरे ब्लॉग में बता देंगे, जब मोनू के पापा रहेंगे तब बता दूँगी, ठीक है। तो इतना इन्वेस्ट हुआ है इसमें, तो टोटल 1,20,000 समथिंग घर और बकरी का मिला के 1,20,000 में मैंने खुद का अपना, ये मेरा बिजनेस है दोस्तों अभी बकरी पालन का, और ये वाला मैं मतलब बनाई हूँ। तो मेरा घर कैसे लगा बताना, बांस का मेरा बम्बू हाउस, तो देखो मैं आप लोगों को सब दिखा भी दी, मैं अंदर जा के दिखा रही थी पास पास से, लेकिन वो लोग बाहर आ जा रहे थे तो मैं वहीं पर खड़े होकर दिखा दी। तो ठीक है दोस्तों, मेरा बम्बू हाउस का टूर कैसे लगा कमेंट करके बताना, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को अच्छे अच्छे कमेंट करना, और कमेंट करना मत भूलना दोस्तों, कमेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, हैप्पी फील होता है मुझे। तो ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।